नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। विज्ञान भैरव तंत्र, भैरव विज्ञान तंत्र सूत्र विधि नंबर 17 और केंद्रित होने की पांचवी विधि, जो रहस्य शिव जी ने पार्वती जी को बताया है। पांचवी विधि बताई कि मन को भूलकर, शिव जी कहते हैं कि मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक। ये सूत्र इतना ही है कि किसी भी वैज्ञानिक सूत्र की तरह यह छोटा है, लेकिन ये थोड़े से शब्द भी तुम्हारे जीवन को समग्रत बदल सकते हैं। मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक, मध्य में रहो। महात्मा बुद्ध ने अपने ध्यान की विधि इसी सूत्र के आधार पर विकसित की। उनका मार्ग मध्यम निकाय या मध्य मार्ग कहलाता है। बुद्ध कहते हैं सदा मध्य में रहो प्रत्येक चीज में। एक बार राजकुमार श्रोण दीक्षित हुआ, बुद्ध ने उन्हें संन्यास में दीक्षित किया। वे राजकुमार बड़ा ही अद्भुत व्यक्ति था और जब वे संन्यास में दीक्षित हुआ तो सारा राज्य चकित रह गया। लोगों को यकीन नहीं हुआ कि राजकुमार श्रवण संन्यासी हो गया। किसी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, क्योंकि श्रवण पूरा सांसारिक था, भोग विलास में सर्वथा लिप्त रहता था। सारा दिन सूरा और सुंदरी ही उसका संसार थी। तभी अचानक एक दिन बुद्ध उसके नगर में आए। राजकुमार श्रोण उनके दर्शन को गया। वे बुद्ध के चरणों में गिरा और बोला कि मुझे दीक्षित कर लो, मैं संसार छोड़ दूंगा। जो लोग उसके साथ आए थे उन्हें भी इसकी खबर नहीं थी, ऐसी अचानक घटना थी ये। उन्होंने महात्मा बुद्ध से पूछा कि ये क्या हो रहा है, ये तो चमत्कार है। श्रोण उस कोटि का व्यक्ति नहीं है, वे तो भोग विलास में रहा है, ये तो चमत्कार है। हमने तो कल्पना भी नहीं की थी कि श्रोण सन्यासी होगा, ये क्या हो रहा है, आपने कुछ कर दिया है क्या? बुद्ध ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया। मन एक अति से दूसरी अति पर जा सकता है, वे मन का ढंग है, एक अति से दूसरी अति पर जाना। श्रोण कुछ नया नहीं कर रहा है, ये होना ही था, क्योंकि तुम मन के नियम नहीं जानते इसलिए तुम चकित हो रहे हो। मन एक अति से दूसरी अति पर गति करता रहता है, मन का यही ढंग है, ये रोज रोज होता है। जो आदमी धन के पीछे पागल था वे अचानक सब कुछ छोड़कर नंगा फकीर हो जाता है। हम सोचते हैं कि यह चमत्कार हो गया, लेकिन यह सामान्य नियम के सिवाय कुछ नहीं है। जो आदमी धन के पीछे पागल नहीं, उसके ये उपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे त्याग करेगा, क्योंकि तुम एक अति से दूसरी अति पर जा सकते हो, वैसे ही जैसे घड़ी का पेंडुलम एक अति से दूसरी अति पर डोलता रहता है। इसलिए जो आदमी धन के लिए पागल था वे पागल होकर धन के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन उसका पागलपन कायम रहेगा, वही मन है। जो आदमी काम वासना के लिए जीता था वे ब्रह्मचारी हो जा सकता है, एकांत में चला जा सकता है, लेकिन उसका पागलपन कायम ही रहेगा। पहले वे काम वासना के लिए जीता था, अब वे काम वासना के खिलाफ होकर जिएगा, लेकिन उसका रुख, उसकी दृष्टि वहीं की वहीं रहेगी। इसलिए ब्रह्मचारी सच में काम वासना के पार नहीं गया है, उसका पूरा चित्त काम वासना प्रधान ही है, वे सिर्फ विरुद्ध हो गया, उसने काम का अतिक्रमण नहीं किया। अतिक्रमण का मार्ग सदा मध्य में है, वे कभी अति में नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि यह होना ही था, यह कोई चमत्कार नहीं है, मन ऐसे ही व्यवहार करता है। श्रोण भिक्षु बन गया, सन्यासी हो गया। शीघ्र ही बुद्ध के दूसरे शिष्यों ने देखा कि वे दूसरी अति पर जा रहा था। बुद्ध ने किसी को नग्न रहने को नहीं कहा था, लेकिन श्रोण नग्न रहने लगा। बुद्ध नग्नता के पक्ष में नहीं थे, उन्होंने कहा कि यह दूसरी अति है। लोग हैं जो कपड़ों के लिए ही जीते हैं, मानो वही उनका जीवन हो, और ऐसे लोग भी हैं जो नग्न हो जाते हैं लेकिन दोनों वस्त्रों में विश्वास करते हैं। बुद्ध ने कभी नग्नता की शिक्षा नहीं दी, लेकिन श्रोण नग्न हो गया।
वह बुद्ध का अकेला शिष्य था जो नग्न हुआ। श्रोण आत्म उत्पीड़न भी गहरे उतर गया। बुद्ध ने अपने सन्यासियों को दिन में एक बार भोजन की व्यवस्था दी थी, लेकिन श्रोण दो दिनों में एक बार भोजन कर लेने लगा। वह बहुत ज्यादा दुर्बल हो गया। दूसरे भिक्षु पेड़ की छाया में ध्यान करते, लेकिन श्रोण कभी छाया में नहीं बैठता था। वह सदा कड़ी धूप में रहता था। वह बहुत सुंदर आदमी था, उसकी देह बहुत सुंदर थी, लेकिन 6 महीने के भीतर पहचानना मुश्किल हो गया कि वे वही आदमी है। वे कुरूप, काला, झुलसा झुलसा दिखने लगा। एक रात बुद्ध श्रोण के पास गए और उससे बोले, श्रोण, मैंने सुना है कि जब तुम राजकुमार थे तब तुम्हें वीणा बजाने का शौक था और तुम एक कुशल वीणा वादक और बड़े संगीतज्ञ थे, तो मैं तुमसे एक प्रश्न पूछने आया हूं। अगर वीणा के तार बहुत ढीले हों तो क्या होता है? अगर तार ढीले होंगे तो कोई संगीत संभव नहीं। फिर बुद्ध ने पूछा कि अगर तार बहुत कसे हों तो क्या होगा? श्रोण ने कहा कि तब भी संगीत नहीं पैदा होगा। तारों को मध्यम में होना चाहिए, वे ना ढीले हों और ना कसे हुए, ठीक मध्यम में हो। और श्रोण ने कहा कि वीणा बजाना तो आसान है, लेकिन एक परम संगीतज्ञ ही तारों को मध्यम में रख सकता है। तो बुद्ध ने कहा कि 6 महीनों तक तुम्हारा निरीक्षण करने के बाद मैं तुमसे यही कहने आया हूं कि जीवन में भी संगीत तभी जन्मता है जब उसके तार ना ढीले हों और ना कसे हुए, ठीक मध्यम में हो। इसलिए त्याग करना आसान है, लेकिन परम कुशल ही मध्य में रहना जानता है। इसलिए श्रोण, कुशल बनो और जीवन के तारों को मध्य में, ठीक मध्यम में रखो। इस या उस अति पर मत जाओ। और प्रत्येक चीज के दो छोर हैं, दो अतियां हैं, लेकिन तुम्हें सदा मध्यम में ही रहना है। लेकिन मन बहुत बेहोश है, इसलिए सूत्र में कहा गया मन को भूल कर। तुम ये बात सुन भी लोगे, तुम इसे समझ भी लोगे, लेकिन मन उसको नहीं ग्रहण करेगा। मन सदा अतियों को चुनता है। मन में अतियों के लिए बड़ा आकर्षण है, मोह है। क्यों? क्योंकि मध्य में मन की मृत्यु हो जाती है। घड़ी के पेंडुलम को देखो। अगर तुम्हारे पास कोई पुरानी घड़ी हो तो उसके पेंडुलम को देखो। पेंडुलम सारा दिन चलता रहता है। यदि वे अतियों तक आता जाता रहे, जब वे एक बाएं जाता है तब दाएं जाने के लिए शक्ति अर्जित कर रहा है, जब वे दाएं जा रहा है तो मत सोचो कि वे दाएं जा रहा है, वे बाएं जाने के लिए ऊर्जा इकट्ठी कर रहा है। अतियां ही दाएं बाएं हैं। पेंडुलम के बीच में ठहरने दो और सब गति बंद कर दो, तब पेंडुलम में ऊर्जा नहीं रहेगी, क्योंकि ऊर्जा तो एक अति से आ रही थी। एक अति से दूसरी अति उसे दूसरी अति की ओर फेंकती है, उससे एक वर्तुल बनता है और पेंडुलम गतिमान होता है। उसको बीच में होने दो और तब सब गति ठहर जाएगी। मन पेंडुलम की भांति है, और अगर तुम इसका निरीक्षण करो तो रोज ही इसका पता चलेगा। तुम एक अति के पक्ष में निर्णय लेते हो और तब तुम दूसरी अति की ओर जाने लगते हो। तुम अभी क्रोध करते हो, फिर पश्चाताप करते हो। तुम कहते हो, नहीं बहुत हुआ, अब मैं कभी क्रोध ना करूंगा, लेकिन तुम कभी अति को नहीं देखते। ये कभी नहीं अति है जो तुम कह रहे हो कि कभी नहीं, यही अति है। तुम कैसे निश्चित हो सकते हो कि तुम कभी नहीं क्रोध करोगे? तुम कह क्या रहे हो? एक बार और सोचो, कभी नहीं अतीत में जाओ और याद करो कि कितनी बार तुमने निश्चय किया है कि मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा। जब तुम कहते हो कि मैं कभी क्रोध नहीं करूंगा, तो तुम नहीं जानते हो कि क्रोध करते समय ही तुमने दूसरे छोर पर जाने की ऊर्जा इकट्ठी कर ली थी। अब तुम पश्चाताप कर रहे हो, अब तुम्हें बुरा लग रहा है, तुम्हारी आत्म छवि हिल गई है, गिर गई है। अब तुम नहीं कह सकते कि मैं अच्छा आदमी हूं, धार्मिक आदमी, मैंने क्रोध किया, और धार्मिक व्यक्ति क्रोध नहीं करता। अच्छा आदमी क्रोध कैसे करेगा? तो तुम अपनी अच्छाइयां
को वापस पाने के लिए पश्चाताप करते हो। कम से कम अपनी नजर में तुम्हें लगेगा कि मैंने पश्चाताप कर लिया, चैन हो गया और अब फिर क्रोध नहीं होगा। इससे तुम्हारी हिली हुई आत्मा की छवि पुरानी अवस्था में लौट आएगी। अब तुम चैन महसूस करोगे क्योंकि अब तुम दूसरी अति पर चले गए। लेकिन जो मन कहता है कि अब मैं फिर कभी क्रोध नहीं करूंगा, वे फिर क्रोध करेगा ही करेगा। अब जब तुम फिर क्रोध में होंगे तो तुम अपने पश्चाताप को, अपने निर्णय को, सबको बिल्कुल भूल जाओगे और क्रोध के बाद फिर वे निर्णय लौटोगे और पश्चाताप वापस आएगा और तुम कभी उसके धोखे को नहीं समझ पाओगे। ऐसा सदा हुआ है। मन क्रोध से पश्चाताप और पश्चाताप से क्रोध के बीच डोलता रहता है। बीच में रहो, ना क्रोध करो ना पश्चाताप करो। और अगर क्रोध कर गए तो कृपा कर क्रोध ही करो, पश्चाताप मत करो, दूसरी अति पर मत जाओ, बीच में रहो। कहो कि मैंने क्रोध किया है, मैं बुरा आदमी हूं, हिंसक आदमी हूं, मैं ऐसा ही हूं, लेकिन पश्चाताप मत करो, दूसरी अति पर मत जाओ, मध्यम में रहो। और अगर तुम मध्यम में रह सके तो फिर तुम क्रोध करने के लिए ऊर्जा इकट्ठी नहीं कर पाओगे। इसलिए यह सूत्र कहता है कि मन को भूलकर मध्य में रहो जब तक। इस जब तक का क्या मतलब है? मतलब यह है कि जब तक तुम्हारा विस्फोट ना हो जाए। मतलब यह है कि तब तक मध्य में रहो जब तक मन की मृत्यु ना हो जाए। जब तक मध्य में रहो जब तक मन अमन ना हो जाए। अगर मन अति पर है तो आ मन मध्य में होगा, लेकिन मध्य में होना संसार में सबसे कठिन काम है। दिखता तो सरल है, दिखता तो ये आसान है, तुम्हें लगता है कि मैं कर सकता हूं और तुम्हें ये सोचकर लगेगा कि पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रयोग करके देखो और तब तुम्हें पता चलेगा कि जब क्रोध करोगे तो मन पश्चाताप करने पर जोर देगा। पति पत्नियों का झगड़ा सदा से चलता आया है और सदियों से महापुरुष और सलाहकार समझा रहे हैं कि कैसे रहें और प्रेम करें, और यह झगड़ा जारी है। पहली बार फ्रायड को इस तथ्य का बोध हुआ कि जब तुम प्रेम तथा कथित प्रेम में होगे तुम्हें घृणा में भी होना पड़ेगा। सुबह प्रेम करोगे, शाम घृणा करोगे, और इस तरह पेंडुलम हिलता रहेगा। प्रत्येक पत्नी पति को इसका पता है, लेकिन फ्रॉयड की अंतर्दृष्टि बड़ी अद्भुत है। वे कहता है कि अगर किसी दंपति ने झगड़ा बंद कर दिया तो समझो कि उनका प्रेम मर गया। घृणा और लड़ाई के साथ जो प्रेम है वो मर जाता है, वे मर जाता है, मर गया वो। अगर किसी जोड़े को तुम देखो कि वे कभी लड़ता नहीं तो ये मत समझो कि ये आदर्श जोड़ा है। उसका इतना ही अर्थ है कि ये जोड़ा ही नहीं है, वे समांतर रह रहे हैं लेकिन साथ साथ नहीं रहते। वे समांतर रेखाएं हैं जो कहीं नहीं मिलती, लड़ने के लिए भी नहीं। वे दोनों साथ रहकर भी अकेले अकेले हैं, अकेले अकेले और समांतर। मन विपरीत पर गति करता है, अलग पर। इसलिए अब मनोविज्ञान के पास दंपतियों के लिए बेहतर निदान और बेहतर और गहरा। वे कहते हैं कि अगर तुम सचमुच प्रेम इसी मन के साथ करना चाहते हो तो लड़ने झगड़ने से मत डरो। सच तो ये है कि तुम्हें प्रामाणिक ढंग से लड़ना चाहिए ताकि तुम प्रामाणिक प्रेम के दूसरे छोर को प्राप्त कर सको। इसलिए अगर तुम अपनी पत्नी के लड़ रहे हो तो लड़ने से चूको मत, अन्यथा प्रेम से भी चूक जाओगे। झगड़े से बचो मत, उसका मौका आए तो अंत तक लड़ो, तभी संध्या आते आते तुम फिर प्रेम करने के योग्य हो जाओगे। मन तब तक शक्ति जुटा लेगा। सामान्य प्रेम संघर्ष के बिना नहीं जी सकता क्योंकि उसमें मन की गति संलग्न है। सिर्फ वही प्रेम संघर्ष के बिना जिएगा जो मन का नहीं है। लेकिन वे बात ही और है। बुद्ध का प्रेम और ही बात है, शिव का प्रेम और ही बात है। लेकिन अगर बुद्ध तुम्हें प्रेम करे तो तुम बहुत अच्छा नहीं महसूस करोगे। क्यों? क्योंकि उसमें कोई दोष नहीं रहेगा, वे मीठा ही मीठा होगा और उबाऊ होगा, क्योंकि दोष तो झगड़े में आता है। बुद्ध क्रोध नहीं कर सकते, वे केवल प्रेम कर सकते हैं। तुम्हें उनका प्रेम पता नहीं चलेगा क्योंकि पता तो विरोध में
विपरीतता में चलता है। जब बुद्ध 12 वर्षों के बाद अपने नगर वापस आए, 12 वर्षों के बाद अपने नगर वापस आए तो उनकी पत्नी उनके स्वागत को नहीं आई। सारा नगर उनके स्वागत के लिए इकट्ठा हो गया था, लेकिन उनकी पत्नी नहीं आई। बुद्ध हंसे और उन्होंने अपने मुख्य शिष्य आनंद से कहा कि यशोधरा नहीं आई, मैं उसे भली भांति जानता हूं, ऐसा लगता है कि वे मुझे अभी भी प्रेम करती है, वे मानिनी है, वे आहत अनुभव कर रही है। मैं तो सोचता था 12 वर्ष का लंबा समय हो गया है, वे अब प्रेम में ना होगी, लेकिन मालूम होता है कि ये अब भी प्रेम में, अब भी क्रोध में, वे मुझे लेने नहीं आई, मुझे ही उसके पास जाना होगा। और बुद्ध गए, आनंद भी उनके साथ था। आनंद को एक वचन दिया हुआ था। जब आनंद ने दीक्षा ली थी कि उसने एक शर्त रखी और बुद्ध ने मान ली कि मैं सदा आपके साथ रहूंगा। वे बुद्ध का बड़ा चचेरा भाई था, इसलिए उन्हें मानना पड़ा था। सो आनंद राजमहल तक उनके साथ गया। वहां बुद्ध ने उनसे कहा कि कम से कम यहां तुम मेरे साथ मत चलो, क्योंकि यशोधरा बहुत नाराज होगी, मैं 12 वर्ष के बाद लौट रहा हूं। और उसे खबर किए बिना यहां से चला गया था, वे अब भी नाराज है, तो तुम मेरे साथ मत चलो, अन्यथा वे समझेगा कि मैंने उसे कुछ कहने का भी अवसर नहीं दिया। वे बहुत कुछ कहना चाहती होगी, तो उसे क्रोध कर लेने दो, तुम कृपा इस बार मेरे साथ मत आओ। भीतर बुद्ध गए, यशोधरा ज्वालामुखी बनी बैठी थी, वे फूट पड़ी, वे रोने चिल्लाने लगी, बकने लगी। बुद्ध चुपचाप बैठे रहे, सुनते रहे। धीरे धीरे वे शांत हुई और तब वही समझी कि उस बीच बुद्ध एक शब्द भी नहीं बोले। उसने अपनी आंखें पहुंची और बुद्ध की ओर देखा। बुद्ध ने कहा कि मैं ये कहने आया हूं कि मुझे कुछ मिला है, मैंने कुछ जाना है, मैंने कुछ उपलब्ध किया है, अगर तुम शांत हो तो मैं तुम्हें वे संदेश, वे सत्य दूं जो मुझे उपलब्ध हुआ है। मैं इतनी देर इसलिए रुका रहा कि तुम्हारा रेचन हो जाए। 12 साल लंबा समय है, तुमने बहुत घाव इकट्ठे किए होंगे और तुम्हारा क्रोध समझने योग्य है, मुझे इसकी प्रतीक्षा थी। उसका अर्थ है कि तुम अब भी मुझे प्रेम करती हो, लेकिन इस प्रेम के पार भी एक प्रेम है, और उसी प्रेम के कारण मैं तुम्हें कुछ कहने वापस आया। लेकिन यशोधरा उस प्रेम को नहीं समझ सकी। इसे समझना कठिन है, क्योंकि ये इतना शांत है, ये प्रेम इतना शांत है कि अनुपस्थित सा लगता है। जब मन विसर्जित होता है तो एक और ही प्रेम घटित है, लेकिन उस प्रेम का कोई विपरीत पक्ष नहीं है, विरोधी पक्ष नहीं है। जब मन विसर्जित होगा तब जो भी घटित होता है उसका विपरीत पक्ष नहीं रहता, मन के साथ सदा उसका विपरीत खड़ा रहता है, और मन एक पेंडुलम की भांति गति करता है। यह सूत्र अद्भुत है, उससे चमत्कार घटित हो सकता है। मन को भूलकर मध्य में रहो, जब तक इस प्रयोग को लाओ अपने प्रयोग में, और यह सूत्र तुम्हारे पूरे जीवन के लिए है। ऐसा नहीं है कि उसका अभ्यास सदा कदा किया जा सकता है और बात खत्म होगी, तुम्हें निरंतर इसका बोध रखना होगा, होश रखना होगा, काम करते हुए, चलते हुए, भोजन करते हुए, संबंधों में, सर्वत्र मध्य में रहो। प्रयोग करके देखो और तुम देखोगे कि एक मौन, एक शांति तुम्हें घेरने लगी है और तुम्हारे भीतर एक शांत केंद्र निर्मित हो रहा है। अगर ठीक मध्य में होने में सफल ना हो सको तो भी मध्य में होने की कोशिश करो। धीरे धीरे तुम्हें मध्य की अनुभूति होने लगेगी, जो भी हो, घृणा या प्रेम, क्रोध या पश्चाताप, सदा ध्रुवीय विपरीतताओं को ध्यान में रखो और उनके बीच में रहो, और देर अबेर तुम ठीक मध्य को पा ही लोगे। और एक बार तुमने इसे जान लिया तो फिर तुम उसे नहीं भूलोगे, क्योंकि मध्य बिंदु मन के पार है और वे मध्य बिंदु अध्यात्म का सारा सूत्र है। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम, आप सबका धन्यवाद। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।